সকাল কেম ছো কেমন আছে সবাই তো আজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আর আপ সবকো হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হ্যালো গাইস হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তো আজ ভি হাম লোগ নিকল চুকে ঘুমনে কে লিয়ে তো কাহা জাতে হ্যায় ও আপ লোগ দেখতে রহিয়ে ফিলহাল আভি হাম লোগ গাড়ি লেঙ্গে গাড়ি লেকে ফির জায়েঙ্গে बाइक पे आके मेरा हालत कुछ इस तरह से हो गया, बाल सब बिखर गया है। तो अभी थोड़ा इस जगह में आए हैं, तो इस जगह पे ट्रैफिक भी नहीं है, पूरा विलेज का यहाँ पे पूरा ग्राम है और यहाँ पे हाथी भी आता है, तो देख के जाना पड़ेगा। लेकिन ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है तो आई हूँ और इस रास्ते पे अभी थोड़ा सा रील वील भी करूँगी। तो इस भैया के साथ हम लोग आए हैं, तो ये भैया और ये हम दोनों फ्रेंड आए हैं एक साथ। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे और ये तो तस्वीर किसने लग पड़े उतरते ही, तो हम लोग थोड़ा अभी रील वील बनाएंगे, तस्वीर खींचेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर गाजल डोबा जाएंगे। जगह पे रील बना के फिर इस जगह रुक गए क्योंकि थोड़ा गर्मी लग रही है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पीना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है, तो इस दुकान से अभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेंगे और फिर खा के फिर जाए। अच्छा ही होता है, ब्रेक ब्रेक दे के फिर हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा घूमना भी हो जाता है और मज़ा भी हो जाता है, ठीक नहीं ना है দাদা দাদা গেলে এটা একদিকে ভালো যে মজা করা যায় আর এনজয় করে করতে করতে বাইরে যাওয়া যায়। তো আমরা তো অভি ফিলহাল আমলোক ইয়াপে থোড়া সা কোল্ড ড্রিঙ্কস লেঙ্গে, তো থোড়া সা অভি ঠান্ডা পি লেতে হ্যায়। উফ, বহুত গরমি লাগে। আর ইয়ে ঝান্ডা ভি লে লিয়া হ্যায় ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কে লিয়ে, তো ভাইয়া কে গাড়ি মে ঝান্ডা নেই তো ইসলিয়ে ঝান্ডা লাগানা আজ বনতা হ্যায়, তো ইসলিয়ে ঝান্ডা লাগায়েঙ্গে গাড়ি মে। তো অভি ফিলহাল মজা পি লেতে হ্যায়, মজা নেই হ্যায়, স্লাইস হ্যায়, स्लाइस पे पी लेते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के और बहुत भीड़ है लग रहा है, बहुत बाइक जा रहा है, तो वहाँ पे जाके ही, वहाँ पे जाके नहीं अभी से पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत भीड़ होगा। कितना सुंदर है मेरे पीछे ये देखो, एक साइड ये है फॉरेस्ट, फिर बीच में है पानी, फिर इस साइड रास्ता और यहाँ पे फिर फॉरेस्ट। तो ये रास्ते जाने में ना बहुत मज़ा आ जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आई हूँ इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं और बाइक तो आ ही रहा है हमेशा, ये देखो मेरे पीछे। और इस फॉरेस्ट जो है, इस फॉरेस्ट का नाम है वैकुंठपुर फॉरेस्ट। यहाँ पे देवी चौधरानी रहा करती थी, रहती थी। तो बहुत बड़ा ये फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है और बीच में से ये रास्ता अभी बनाया गया है और हम लोग इस रास्ते से अभी जा रहे हैं। बहुत सुंदर इस जगह का एनवायरनमेंट है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जब सिलीगुड़ी आना तो इस जगह पे ज़रूर विजिट करना, बहुत ही सुंदर एक जगह है। दिखाती हूँ कितना भीड़ है और कितना जाम अभी हो गया है यहाँ पे। गाजल डोबा पे और आज इंडिपेंडेंस डे है, छुट्टी का दिन, हॉलीडे है, इसलिए बहुत भीड़ है, बहुत सारा लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए।
तो हम लोग भी यहाँ पे आए हैं और सोच रहे हैं यहाँ से कुछ और जगह भी जाऊं, तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले घूम लेते हैं। यहाँ पे आओगे तो ये जरूर ट्राई करना, ये है चिंगड़ी का चॉप, तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो मुझे तो ये चॉप बहुत पसंद है, तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो ये चॉप खाती हूँ, तो फिलहाल अभी भी ले लिया हूँ और अच्छा लगे तो फिर बाद में और भी लूंगी, तो फिलहाल अभी इसे खाते हैं। निकल गए, आप लोगों को तो दिखाया कितना भीड़ था वहाँ पे, और अभी हम लोग प्लान बनाया गाजल डोबा से हम लोग सेबोक जा रहे हैं, तो सेबोक बहुत ही दूर है यहाँ से, लेकिन हम लोग जा रहे हैं, आज घूमने निकला है तो घूमेंगे ही सारा दिन, तो अभी फिलहाल सेबोक जाने का इरादा है और अभी जा रहे है। आ रहा है फाइनली मजा, क्योंकि चारों तरफ फॉरेस्ट है, जंगल है, ये देखो चारों तरफ जंगल ना जंगल है चारों तरफ, और बीच में ये ऐसे टाइप का रास्ता है और हम लोग अभी जंगल के बीच जा रहे हैं, डर भी लग रहा है, सामने से एक छोटा नदी टाइप का भी, छोटा सा मंदिर हुआ है, आज उसका शायद ओपनिंग या सावन का जो सोमवार होता है, इसलिए अभी यहाँ पे शिव पूजा हो रही है, तो यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है, तो हम लोग प्रसाद भी खाएंगे थोड़ा सा। तो ये देखो कितना सुंदर एक छोटा सा मंदिर है जंगल के बीच में। प्रसाद भी मिल रहा है तो हम लोग सोचा के प्रसाद भी खा लेते हैं थोड़ा सा, देखो सारा लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, ये देखो सभी प्रसाद ले रहे हैं, तो हम लोग भी प्रसाद ले लेते हैं। तो देखो ये रहा प्रसाद, और यहाँ पे खिचड़ी आलू की सब्जी और अचार भी मिला है, तो अच्छा बढ़िया, अभी लंच भी हो जाएगा इसके साथ, खाओ खाओ, अच्छा है एकदम बहुत अच्छा है। तो फाइनली गाइस ये देखो पहाड़ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे है चाय की बागान, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो अभी जा रही हूँ।
गाइस, अभी लग रहा है मैं मेरे इलाके में हूँ। ये देखो पीछे है मेरा पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी है और एक नदी बह रहा है यहाँ पे, तो नदी में अभी जा रही हूँ, तो बहुत ही मज़ा आएगा नदी में जाने के लिए। देखे चल, तो छोटा सा ही यहाँ पे नदी है, ये देखो। तो हम लोग अभी नदी में जाएंगे, थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी। ये रहा पीछे पहाड़, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैं मेरे इलाके में चली आई हूँ। हम लोग शेबोक पहुंच गए हैं और सुबह से निकले, इसलिए थोड़ा सा टायर्ड भी अभी लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बैठी हूँ और यहाँ पे थोड़ा चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ी भी देर यहाँ पे रिलैक्स करके फिर घर चली जाऊँगी। अच्छी लग रही है, तो देखते हैं थोड़ा सा। अभी तो थोड़ा सनसेट भी हो गया है, थोड़ा शाम हो गया है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी घर भी जाना है। तो देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ का नज़ारा कुछ।
फिलहाल हम लोग का अभी जर्नी खत्म हो गया है, हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो भैया अभी मुझे छोड़ के अभी जा रहे हैं, इनको छोड़ना है होगा। तो अच्छा ही लगा आज घूम के। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आप सब अच्छे से रहो, खुश रहो, टाटा बाय बाय।